वेलकम टू फ्लेम्स एंड फेम। आज हम बनाएंगे वेजिटेरियन सुपर फूड, तड़का दही और मूंग दही। पहले हम तड़का दही बनाएंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। यह एक सुपर फूड है, आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन, इन बोथ कंडीशन आप इसे कंज्यूम कर सकेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाला हमने, ये एक कप मैंने नाप लिया है दही, ये एक चम्मच जीरा डाला है। अब हम इसके अंदर छोटे कटे हुए प्याज डालेंगे। ध्यान रहे हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा इसे सौते करेंगे। दही का माप हमने इसलिए लिया ताकि हम उसी क्वांटिटी में बना सकें। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च ऐड करी है, आप चाहें तो अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये हमारे प्याज हल्के से ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी सी एक चम्मच लाल मिर्च, और फिर हम दही ऐड कर देंगे। अब हम इसे सिर्फ एक मिनट के करीब इसे पकाएंगे और यह हमारा रेडी हो जाएगा। ध्यान रहे इसे एक मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, कुछ सेकंड आप इसे पकाएं और फिर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं इसमें रॉक सॉल्ट और सी सॉल्ट दोनों ऐड कर रहा हूँ, रॉक सॉल्ट से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ वरना ये कड़ी बन जाएगी। देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट दही विच इज मूंग दही। तो दोस्तों अब कढ़ाई या बर्तन को हम गर्म होने के लिए रखेंगे। यहाँ देखिए मैंने दही लिया है, आप ध्यान दें इसमें थोड़ा सा दही मैंने कम लिया है इस कप में। क्यों लिया है थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, वीडियो को अंत तक देखते रहें। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लेंगे, लगभग एक छोटा सा चम्मच। अब हम इसके अंदर ये मूंग लेंगे, इन मूंग को मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह इसे थोड़ा सा बॉईल कर लिया, हल्का सा, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है हमें। अब हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। ध्यान रहे हमारे जो मूंग है ऑलरेडी कुक्ड हैं, क्योंकि इन्हें बॉईल किया हुआ था, तो इसलिए हम इन्हें यहाँ पर बस थोड़ा सा सौते करेंगे थोड़ा टेस्ट आने के लिए। थोड़ी मिर्ची ऐड करेंगे, आप मिर्ची की क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे। यहाँ हम सिर्फ रॉक सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं, सी सॉल्ट हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। रॉक सॉल्ट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ सोडियम विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अब हम यहाँ पर दही ऐड कर रहे हैं, देखिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते रहेंगे ये जो मूंग होंगे वो इसका एक्सेस वाटर जो होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। मूंग दही जो है हमारा ये थोड़ा तड़का दही से थिक होगा। मैं इसमें मिर्ची ऐड कर रहा हूँ, मुझे तीखा पसंद है इसलिए, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। तो दोस्तों हमारा मूंग दही बिल्कुल रेडी है। मैं यहाँ इसके अंदर एक आखिरी इंग्रेडिएंट ऐड कर रहा हूँ, पोमग्रेनेट। अगर आप चाहो तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट और मूसली भी ऐड कर सकते हो जो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को काफ़ी बढ़ा देंगे। तो आशा है दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, मुझे आपके कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है और मेरा हौसला बढ़ता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।